हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। झाड़ू पोछा हो गया है, कल ये उधर सुशीला भी दिखाऊंगी आपको। और बज गए हैं 11, और क्योंकि नाश्ता थोड़ी लेट हो गया था, आज थोड़ी लेट हो गए थे, बैठे रह गए थे हम लोग, चाय वाय पीते रह जाते, गप सप मारते रहते, और हम ना थोड़ी लेट हो जाते हैं हर चीज़ में। तो अब मेरा बन रहा है आलू टोस्ट। आलू मैंने उबाल दिए हैं और प्याज और हरी मिर्ची वगैरह मेरे हस्बैंड काट रहे, तो मैं बनाऊंगी टोस्ट यम्मी से, टेस्टी से, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो सोचते हैं कि हम भी वही कर लेंगे। तो आज ब्राउन ब्रेड हम यूज़ करते हैं, हम ना मैदे वाली ब्रेड नहीं करते, आटे वाली ब्रेड यूज़ करते हैं ब्राउन ब्रेड। तो उसका सेम है जैसे हम रोटी खा रहे हैं वैसे होती है, तो ब्राउन ब्रेड से बनते हैं हमारे टोस्ट। तो हम खाएंगे टोस्ट का आज, करेंगे ब्रेकफास्ट। और लंच में देखो क्या होता है, बहुत दिन से चावल 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 और अच्छी अच्छी डिश बना के खा रहे हैं हम लोग पहाड़ी, और मोटापा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो सोच रहे हैं कि आज रोटी खा लेंगे। क्या पता हो सकता है रोटी खाएं या जो भी खाएं, फिर दिखाएंगे आपको। तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। सुशीला कर रही है यहाँ पे सफाई, और ये इसमें इस तरह ये भरा है इसमें, और आलू प्याज टमाटर और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और मसाले के साथ मतलब मिर्ची मसाला डाल के, और इस तरह से इसको बनाया जाता है। आज मेरा मक्खन जो है ख़त्म हो गया, तो अभी देखा मैंने, और मैं बनाऊँगी देसी घी से, इसको देसी घी से बनाऊँगी। मक्खन ख़त्म हो चुका है, तो कोई नहीं, कभी कभी खा लेना चाहिए, घी भी अच्छा होता है शरीर के लिए। तो ये मेरे बन चुके हैं टोस्ट, बन रहे हैं टोस्ट, अभी दिखाती हूँ आपको। और यहाँ चढ़ा दी मैंने चाय, तो तैयार होता है हमारा ब्रेकफास्ट इस तरह से। और ये हम खाएंगे ग्रीन चटनी और साथ में सॉस, बेटा खाता है सॉस, ये बेटे की प्लेट है, ये हम दोनों की प्लेट है। और यहाँ बन गई है, यहाँ डाल रही चाय, चाय के साथ मज़े लेते हैं हम ब्रेकफास्ट का यम्मी से, टेस्टी से। फिर मिलते हैं उसके बाद आपको। अब हम करते हैं यम्मी से टेस्टी से ब्रेकफास्ट। इसमें ग्रीन चटनी मिसिंग है, ग्रीन चटनी नीचे रह गई है, ये है ग्रीन चटनी जो कि मैंने बनाई है घर के पुदीने की, कौन खाएगा ग्रीन चटनी। और यह है मेरी चाय, मेरे फेवरेट कप में, जो मैं हर बुधवार को लाती हूँ दोनों को अपने लिए। मेरे पास इतने सारे कप है घर में, लेकिन मुझे ऐसे कप चाहिए बड़े वाले, बड़े भी हैं घर में, लेकिन मैं बुधवार को खरीदना मुझे अच्छा लगता है अपने लिए, कप अलग से लाना, तो मैं अपने लिए कप ले आती हूँ। और इन कप में पीती हूँ, फिर टूट टाट जाते हैं, फिर ये उससे पहले पीले वाला लाई थी, तो मैं लाते रहती हूँ दो 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 सेट, तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं फेंक देती हूँ, फिर नहीं ले आती हूँ, है ना। तो करते हैं हम नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं सुनीता के घर, सुनीता जो कि मेरी फ्रेंड है हमारी, उनके घर जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि सुनीता की छोटी बहन की डेथ हुई है, तो उसके मुँह पर जाना था मीना दीदी को, और मीना दीदी आ रही है, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को आ जा करके मेरे साथ, तो उनके साथ मैं जा रही हूँ, बल्कि उनका फ़ोन भी आ गया है, मैं मिलाती हूँ उनके साथ में आपको। तो मीना दीदी यहाँ रहती है, नोएडा में रहती है, इसलिए वो आ जाएगी तो सुनीता के घर जाने, तो अभी मिलाती हूँ मीना दीदी से। तो आ गई है मीना दीदी, और मीना दीदी बहुत दिन के बाद आ रही है आज, आ गया आज मेरे ब्लॉग में, बहुत दिन के बाद आई है दीदी। दीदी रहती है नोएडा में और जा रही है दीदी सुनीता के मुँह पर, क्योंकि हम तो पहले चले गए थे, और दीदी आज जा रही है, इसीलिए मैं दीदी के साथ में, दीदी अकेले हो रही थी, तो तब मैं जा रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलो, दीदी ने कहा मेरे को चल करके। हाँ, और दीदी जा रही है, आज बड़ी सुंदर लग रही है, नोएडा जाके सुंदर हो गया सच में, ऐसी क्या सुंदर होना है यार, और यार नोएडा जाके बड़ी सुंदर हो गए, कोई सुंदर नहीं। हाँ, वहाँ पर अंदर ही रहते, तो बाहर निकलते नहीं, उसमें ये तो है, अंदर ही सुनीता के घर जा रहे हैं हम लोग। तो गाइज मैं आ गई हूँ सुनीता के घर से, और अब बनाती हूँ लंच, ज़्यादा टाइम होगा, 2:30 बज गया मुझे, मैं 2 बजे आ गई थी वैसे घर पर, तो थोड़ी देर बैठ गई थी, और अब बनाऊंगी लंच में, आज रोटी में आती हूँ फटाफट, लेट हो रही है, सब्जी रखी है घिया की कल की, तो उसी के साथ खाएंगे, क्योंकि हैवी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, आपने देखा था आलू के टोस्ट खा लिए थे, और दिन कम कम खा लिए थे, आज ज़्यादा खा लिए थे, तो पेट भर गया है, तो कम कम खाएंगे, तो दो दो रोटी खा लेते हैं दोनों जने, और बेटा तो जब बोलेगा ननू तब उसके लिए मालूम, तो पहले बनाती हूँ रोटी। और आटा मैंने निकाल दिया है फटाफट से, आटा भी गूंदा रखा था, आटा निकाल दिया है, और सब्जी भी निकालती हूँ, गर्म करती हूँ, फटाफट रोटी बनाती हूँ। अब थोड़ी ऊपर आई हूँ बबीता को देखने के लिए, बच्चे को देखने के लिए, और यहाँ पर आई है सुनीता और रजनी मेरी सहेलियाँ, उनसे भी मिलती हूँ और बातचीत करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मिल आती हूँ, फिर बबीता को टाइम ही नहीं मिल पाता है, मिलने की बहुत वो करती हूँ, कभी यहाँ आना कभी वहाँ आना, कभी कोई आ जाता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बबीता के पास। मीना ने किया था कल का वादा, मीना आई आज, थोड़ी मैं बड़ी लाइट जलाती हूँ, क्या क्या दूंगी सुंदर, दे तो दिया तुमने अभी और देना है, अरे सुंदर दो बार दे रही है, अरे तो तो ये आए हैं भौको देखने के लिए, और रजनी आई है, मीना तो परसों आ गई थी, आज आई है मीना इनके साथ में, और हम पहाड़ी ठहरे, नीचे ही बैठने वाले ठहरे ना,
दादी भी बैठी है, थोड़ा सही लग रहा है बच्चे की। और डर लगती ना आप पकड़ने में, बहुत दर्द हो रहा है। दे तो दिया, कोई बात नहीं, दे तो दिया तो कोई बात नहीं। अब एक बार दे तो दिया तुमने, दो दो बार क्यों दे रही हो उसको? कन्या में ले देना, कन्या में सुनता, कन्या में ले देना। हाँ एक बार दे दिया, अब क्या है बार बार। अच्छा ये गोदिया पकड़ने का है। अच्छा दूर से देने में क्या है, तो सभी लोग सुन लो, जो गोद में पकड़ेगा वो पैसे देगा, पैसे लेके आना सब। ब्लॉग में बोल रही हूँ, है मीना गोदी में पकड़ने के अलग पैसे। अच्छा मीना ने उस दिन पकड़ी थी गोदी में, तब दिया ना। ये देखो गुड़िया रानी। शाम के बज गए हैं 6:30, अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। रजनी देनी है पार्टी ढोकले की, पता नहीं किस चीज की पार्टी देनी है रजनी। वो नहीं बता सकते हैं, वो जो पार्टी दे रही है उसका तो कोई तुक ही नहीं बनता देने का। क्यों नहीं बनता? तुक हमारा तुक बनता है, हमको पार्टी चाहिए, हमको तुक नहीं चाहिए। बेचारी सुनीता आजकल बहुत वह है, सैड है। हम आज सुनीता को भी ले आए यहाँ अपने साथ आगे आने के लिए। और सुनीता जिसके बारे में मैंने बोला था सिस्टर, यही है वो सुनीता बेचारी, यही सुनीता की। बहुत जनों ने पूछा ना कौन सुनीता करके, तो यही है वो सुनीता, छोटी बहन के साथ हुआ इतना बड़ा हादसा। तो हमने कहा चलो थोड़ी घूम आएंगे अंदर अंदर बैठ के, टेंशन में होने से। आज बहुत दिन, कितने दिन हो गए सुनता? 6 दिन हो गए। हाय हाँ यार 6 दिन में आज निकली है बेचारी बाहर। वहाँ भी गई थी देखने के लिए, वहाँ से आ गई थी, तो फिर घर में ही रह के उसी का ध्यान आता है, इसलिए हमने बोला चलो बाहर घूमते हैं आज, लोग घूमने के लिए आ गए, देखते कहाँ जाते हैं फिर। तो हमारी जो फ्रेंड हैं सुनीता, उनके द्वारा हमको मिल गए झंडे और झंडे और मिल गए हैं डंडे, झंडे और मिल गए हैं, हमको मिला है तिरंगा, हमारे देश का झंडा। तो हम फहराएंगे इसको और अपने सारी सहेलियों को भी बांटेंगे, पड़ोसियों को बांटेंगे, बहुत सारे लिए मैं तो कम से कम 10 होंगे क्योंकि 10 डंडी है। जी हाँ, क्या मना रहे हैं हम? अमृत उत्सव आजादी का। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मोदी जी हमको ना, ये तो बहुत प्यारी, ये बहुत प्यारी इंसान है यार। हमारे साथ रहो ना तुम। हाँ यार सही बात। तो हम चलते हैं अब घर की तरफ। तो फ्रेंड अब मैं पहुंच गई हूँ घर, झंडे में ले आई हूँ बहुत सारे, 10 झंडे लाई हूँ मैं, और सबको बांट दूंगी अपने पड़ोस वड़ोस में, और 2-4 अपने जिम में भी लगा दूंगी और अपने घर में भी लगाऊंगी, और अड़ोसियों पड़ोसियों के सबके वहाँ झंडे फहराएंगे अपने देश का, भारत देश का। और ये है बैगन और आलू, अब मैं बनाऊंगी आज बैगन और आलू की सब्जी, और साथ में बनाऊंगी बूंदी का रायता। दही नहीं है, दही मंगाती पहले तो। और शाम के 7:30 हो गए और ब्लॉग एंडिंग का भी समय हो गया। आज बहुत मस्ती करी आज सहेलियों के साथ में, और कभी कभी हो जाता है जो बहुत सारी मस्ती है, मैंने आपको दिखाई नहीं है इसमें, आप सोचो क्या मस्ती करी, बहुत मस्ती करी हमने आज सहेलियों के साथ में, बैठे रहे खूब गप सप मारे हमने, वो नहीं दिखाया मैंने बबीता के वहाँ अंदर। तो जो बबीता के अंदर हमने जो मस्ती करी खूब, मतलब हम थे लेडीज तो अच्छा लगता है, खूब हंसी मजाक बात विवाद खूब मजे किए हमने। उसके बाद हम गए पार्क, और पार्क से मिलने गई सुनीता की सहेली ने बोला कि झंडे लेके जाओ, तो हम उनके घर जाके झंडे लेके आए, और फिर जाके ये हैं झंडे दिए हैं डोवाल ने, विजयलक्ष्मी डोवाल ने, तो उन्होंने झंडे दिए सबको देने के लिए। तो झंडे ले आए और झंडे अब कल बांटेंगे, और समय ज़्यादा हो चुका है, अब खाना वाना बनाती हूँ, किचन का काम हो जाता है बहुत सारा। तो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।